नाम है मेरा। रविंद्र जी, आप संजली के क्या लगते हैं? संजली की मैं भैया लगता हूँ, बुआ का लड़का हूँ उसकी का। जो योगेश है, ये संजली का रिश्ते में क्या लगता है? पाव का लड़का, भाई लगता है। इसको पुलिस पूछताछ के लिए ले गई थी? हाँ, पूछताछ तो हो रही थी, पूछताछ की दो दिन हुई थी। दो दिन पूछताछ। आज इसने क्या कर लिया, क्या खाया? अब पता नहीं, कुछ थोड़ी माँ की वजह से थोड़ी टेंशन में था। माँ उसकी कलेश कर रही थी कि अरे मेरे बेटा तो पूछताछ है रही है। तो मैंने भाई पूछताछ तो पुलिस ने सहयोग मांगा है, तो भाई सहयोग करना पड़ेगा हमें। भाई पूछताछ है तो उनका, वैसे पुलिस की तरफ से ऐसे कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने आराम से प्रेम से हंसी खुशी पूछताछ की है और प्रेम से घर भी आया आराम। लेकिन उसकी माँ थोड़ा कली थी कि उन्हें टेंशन में, मतलब एक तो पुलिस से पूछा अभी टेंशन में इसके माँ के करले इसके कारण, पता नहीं बताने कुछ सलपास की गोली। योगेश के हॉस्पिटल में भर्ती कराने के बाद ही पुलिस हरकत में आई और मैं पुलिस तत्काल योगेश के घर पर पहुंची और योगेश की छत पर बने कमरे और छत पर जो सामान है उनको देख रही है कि वहां से सबूत जुटा रही है कि उस समय जो घटना हुई थी पेट्रोल किस कैन से आया था, कहां से आया था, पेट्रोल की कैन क्या यहां पड़ी हुई है, इसको लेकर के सारे सबूत देख रही है। SSP मौके पर है, अंडरटर्नी IPS समेत तमाम पुलिस अधिकारी, अचनेरा का पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है। FSL टीम को बुला लिया गया है, FSL टीम सारे सबूतों को कलेक्ट कर रही है कि ये जो योगेश के घर से जो जो चीज मिल रही है क्या उस समय संजली को जलाने में ये चीज उपयोग हुई थी, इसको लेकर के सारी पड़ताल चल रही है। SPCT, SSP और IPS तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। आगरा से ETV भारत के लिए श्यामवीर सिंह।